बोले तो थे कि 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। पहला अच्छा पता चल जाएगा ना कि 4 को मिठाई था, वो उठा लिया। कहाँ पता चलेगा? गेस्ट को 3 पीस मिठाई देते या तो 4 देता है या 2 देता है। बक लग रहे हैं ये सचिव जी। मुझे पकड़ो दे दीजिए। थैंक यू। ये तो हमारा काम है अभिषेक सर, हम हुए विकास आपका ऑफिस सहायक। अच्छा तुम्हें से बात हो रही थी फोन? जी जी जी। अच्छा ये है फुलेरा ग्राम पंचायत के उप प्रधान श्री प्रहलाद पांडे जी, इनका फोटो आपको व्हाट्सएप पर भेजेंगे। नमस्ते नमस्ते। आने में दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं नहीं कोई खास दिक्कत तो नहीं। अरे बैग ऊपर रखो यार। हाँ यही है ऑफिस? यही है हमारा छोटा सा ऑफिस, 3 कमरा है। एक कमरा प्रधान जी के लिए, एक हॉल है उसमें बाकी लोग बैठते हैं, और जो तीसरा कमरा है खाली वाला उसमें आपका इंतजाम कर दिया गया है। कहता था कि अंदर रखवा दिया है, बस इस चौकी अंदर घुसा है। 6x3 का है, सोचा के देख लीजिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। नहीं नहीं आ जाऊंगा। अरे नहीं बस देख लीजिए, छोटा बड़ा कर देते हैं आजकल। नहीं आ जाऊंगा। चाबी कहाँ है? चाबी प्रधान जी के पास है, आ रहे होंगे वो। प्रधान जी आ रहे हैं? प्रधान जी आ रहे हैं ना? प्रधान जी आ रहे हैं। प्रधान मंजू देवी फीमेल है, साड़ी पहनती है। मंजू देवी के पति बृजभूषण दुबे जी की बात कर रहे हैं? नहीं सर, पिछले पंचायत इलेक्शन में सरकार ने सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया था ना, लेकिन बृजभूषण जी ठहरे हमारे खिलाड़ी आदमी, अपनी जगह अपनी पत्नियों को खड़ा कर दिए और चुनाव जीत भी गए। कहने का मतलब ये है मंजू देवी ऑफिशियल प्रधान है और बृजभूषण जी हैं प्रधान पति, इस पूरे कार्यालय का कार्यभार वही संभालते हैं, तो हम सब उन्हीं को प्रधान जी कहते हैं, समझे? और देख प्रधान जी आ गए। हरि ओम प्रधान जी, हरि ओम। नमस्ते प्रधान। नमस्ते नमस्ते। आप ही हैं अभिषेक जी? जी। अच्छा अच्छा। अरे भैया हाथ तो धो ले लीजिए, अभी काट ले, चल हाथ धुला। खेत की तरफ चले गए थे, थोड़ा काम देखने, सोचा लगे हाथ निपट लिया जाए, फिर निपट लिए। ऐसा नहीं है कि घर में शौचालय नहीं है, दूर दूर था शौचालय, लेकिन वो कहा है कि खेत की तरफ चले जाते हैं तो घूमने का घूमना हो जाता है और सिस्टमो साफ हो जाता है। आप गए हैं खेत की तरफ कभी? नहीं नहीं मैं तो मैं पहले कभी रहा नहीं ऐसे गांव में। अच्छा नहीं रहे तो चलिए अब हम आपको ले जाएंगे टहलाने के लिए। प्रधान जी इनका रोज लेके जाइएगा। अरे रोज ही लेके जाएंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, अब यहाँ आए हैं तो पूरा फायदा ना उठाएंगे ये। हाँ सबसे पहले हम तुमको भी लेके जाएंगे, तुम भी बहुत मुटाए गए हो ये। गजब बेइज्जती है, दूल्हा को नाश्ता के लिए कौन इंतजार कराता है?